कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। वी आर द फ्रंटलाइन ग्रुप। हुनर है तो कदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रीना। स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें करियर की। हर बार की तरह इस बार फिर हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है कुछ नए करियर ऑप्शंस। इन ऑप्शंस से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं और मदद करते हैं सही करियर का चुनाव करने में। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं ये एपिसोड। सबसे पहले देखते हैं हाईलाइट। देखेंगे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार, जानेंगे देश में स्किल डेवलपमेंट का महत्व, मिलेंगे करियर काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। इस बार हमारे सेगमेंट करियर मंत्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसर। इस सेगमेंट के द्वारा आप जान पाएंगे इंडस्ट्री ग्रोथ और एक्सपर्ट एडवाइसेस। चलिए देखते हैं ये सेगमेंट। कृषि के बाद कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का क्षेत्र देश में ऐसा दूसरा बड़ा क्षेत्र है जहां हर साल बड़े पैमाने पर नौकरियां मुहैया करवाई जाती है। मेक इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का निर्माण उद्योग 126 अरब अमेरिकी डॉलर का है। 50% के निर्माण की मांग इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से आती है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रियल एस्टेट का बाजार सन 2013 में तकरीबन 78.5 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जो कि सन 2017 तक 140 अरब डॉलर पहुंच सकता है। कंस्ट्रक्शन पहले जो होता था बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, अब टाइम का जैसे शॉर्टेज होता जा रहा है। पीपल आर गेटिंग फास्ट डिलीवरी, टाइम से चाहिए, जल्दी चाहिए, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर इन्वॉल्व देयर। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है इंडिया में। Wherein lot of companies are working on it, NBCC and all other companies are working and we are importing lot of technologies. पहले हम जो रोड़ी कंकड़ से बनाते थे बिल्डिंग बनाते थे, now we use prefab. पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी prefab की, लेकिन अब तो काफी buildings are being done on prefab basis. इस सेक्टर को काम करने वाले नौजवानों की जरूरत हमेशा रहती है। निर्माण का ये क्षेत्र में कई प्रकार के स्किल्स यानी कौशल की जरूरत पड़ती है, यानी मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसे लोगों की मांग हमेशा रहती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सुपरवाइजर का काम भी कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भाग्य आजमा सकते हैं। जरूरत है कुछ नया सोचते हुए कड़ी मेहनत करने की। कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई बच्चा अपना कैरियर बनाना चाहता है तो दो तीन तरह के फील्ड्स हैं। एक वो टेक्निकल साइड में जा सकता है एज वर्कर, जिसको हम मैसन कहते हैं, टेक्नीशियन कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं, और अगर इससे ऊपर की एक कैटेगरी है कि फोरमैन एंड सुपरवाइजर, वो लोग डिप्लोमा होल्डर होते हैं या ITI सर्टिफिकेशन होती है उनके पास, तो उनका काम होता है सुपरविजन करना, टेक्निकल सुपरविजन करना, एक वो कैरियर है। और एक जो बिल्कुल इलीट कहें अगर इसमें ट्रेड है तो वो है इंजीनियर बनना, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसको हम सिविल इंजीनियर कहते हैं। और ट्रेडिशनली अगर कहें हिस्टोरिकली हिंदुस्तान में सबसे पहले इंजीनियरिंग अगर थी तो सिविल इंजीनियरिंग सबसे ऊपर थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज से 25 साल पहले। आज बहुत सारी ब्रांचेज शुरू हो गई हैं, ट्रेड शुरू हो गए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हुई है। निर्माण का एक क्षेत्र अपार संभावनाओं को अपने में समेटे हुए है। मेक इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2001 तक भारत की शहरी आबादी तकरीबन 268 मिलियन थी, जो कि 2011 में 32% वृद्धि के साथ 377 लाख बढ़ चुकी है। ऐसी उम्मीद है सन 2030 तक शहरी आबादी 590 मिलियन पहुंच सकती है, यानी बढ़ते शहरी विकास के साथ निर्माण क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। सिविल इंजीनियर्स की मांग दोबारा आई है, बिल्कुल ठीक है कि पिछले 10-15 साल से सिविल इंजीनियर्स की मांग बहुत ज़्यादा हो गई है।
खाली कंस्ट्रक्शन सरकारी कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन बहुत शुरू हो गई है। पहले मकान सिर्फ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और हाउसिंग बोर्ड बनाते थे, लेकिन 20-25 साल से आप देखते हैं कि उनसे ज़्यादा मकान डेवलपर बनाने लगे हैं। तो सबको सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ गई है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकता है, तो वह है सिविल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन करना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करना। पूरे हिंदुस्तान में अब सैकड़ों हजारों की तादाद में इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। निर्माण के क्षेत्र में ऐसे तमाम अवसर हैं जहां करियर बनाया जा सकता है, बस जरूरत है मजबूत जज्बे के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार करने की।